Hello students, I hope you all are fine, fit and enjoying your studies. Our today's topic is P block elements, unit 7 of class 12. Means today we are going to start a new chapter. Today we are going to discuss about a new chapter, that is the P block elements, unit 7, NCERT class 12 syllabus. In this chapter we will study about the general properties of P block elements, especially group 15 elements. General properties of group 15 elements, their physical properties, chemical properties and some common compounds. So without wasting time, I'd like to proceed for our topic, which is the P block elements. And before that, I would like to remind you that we all have studied, we all have discussed about group 13 and 14 elements of P block in class 11. यानी हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है P block elements. और इस P block elements class 12 के syllabus में हमको study करनी है group 15, group 16 और group 17 elements, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि nitrogen family, oxygen family and halogen family की study है इस चैप्टर में करेंगे. और स्टडीज में हमारा फोकस किस पे होगा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 15 एलिमेंट्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17 एलिमेंट्स. एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट compounds of nitrogen, oxygen, halogens. So let us start. First of all, starting with the headline of the chapter, P block elements. हम किनको कहते हैं P block elements? What do we mean by P block elements? P block elements हैं क्या? P block elements means all those elements whose valence electrons complete in p orbital, p subshell, those elements are called p block elements. As for example, nitrogen having atomic number 7, its periodic electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. ठीक उसी तरह से फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 3s2 3p3. इन दोनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस में आप देख सकते हो कि फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं. फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं पी ऑर्बिटल्स के, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 2p ऑर्बिटल्स में कंप्लीट हो रहे हैं नाइट्रोजन के केस में, और फास्फोरस के केस में इलेक्ट्रॉन्स 3p ऑर्बिटल या 3p सबसेल्स में जाकर के फिनिश हो रहे हैं. तो ऑल दोज एलिमेंट्स हूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाइनल इलेक्ट्रॉन्स आर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉल इन पी subshell, p orbital, those are described as p block elements. And in p block elements there are group 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These groups are periodic table. And the periodic table ka group 13, 14, 15, 16, 17 और 18, these groups of periodic table
are put into P block, because electronic configuration is likewise. NS2 and P1, P2, P3, P4, P5, P6. एक एक एलिमेंट ले लेते हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और निया। ये एलिमेंट्स हैं, मीन्स बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और नियान फैमिली। ये फैमिली ऐसी है या इस ग्रुप में पढ़ने, इनके ग्रुप में पढ़ने वाले एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक में या पी सबसेल में या पी ऑर्बिटल में जाकर के कंप्लीट होते हैं, इसलिए इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एंड आउट ऑफ दिस ग्रुप 13 मीन्स बोरान फैमिली एंड ग्रुप 14 मीन्स कार्बन फैमिली वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th। तो हम उनकी बात नहीं करेंगे आज, हम बात करेंगे क्योंकि बात करेंगे हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियान फैमिली। तो लेट अस प्रोसीड, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज की बात होती है, तो आवर मेन कंसर्न, आवर मेन फोकस इन दिस वीडियो इज ग्रुप 15 एलिमेंट्स। एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर फॉलोइंग एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। दीज एलिमेंट्स फॉल इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट एज NS2 एंड NP3, 2s2, 2p3, 3s2, 3p3, 3d10, 4s2, 4p3, आर्सेनिक, 4d10, 5s2, 5p3, एंटीमनी, 4f14, 5d10, 6s2, 6p3, बिस्मथ। ये फाइव एलिमेंट्स हैं जिनके पीरियडिक क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप देखेंगे तो NS2 और NP3 आ रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए 2s2, 2p3 आ रहा है, यहाँ पर 3s2, 3p3, यहाँ पर 4s2, 4p3, यहाँ पर 5s2 और 5p3, और यहाँ पर आ रहा है 6s2, 6p3। तो इन सभी में देखिए S2P3 करके रिपीट हो रहा है, और क्योंकि इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर है, यानी कि सभी के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहा है, इसलिए इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ एक ग्रुप में रखा गया है। और वो ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 15। यानी ग्रुप नंबर 15 में 5 एलिमेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें देखें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये दोनों क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक के दो एलिमेंट्स क्या हैं? दीज आर नॉन मेटल्स। आर्सेनिक, एंटीमनी, दीज टू एलिमेंट्स दीज आर मेटलाइड्स। और लास्ट एलिमेंट्स बिस्मथ, दिस इज अ मेटल। यानी कि पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जिसमें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटल आयन है और बिस्मथ मेटल है। ठीक, उसके बाद अकरेंस। अब बात होती है अकरेंस की कि हाउ डू दे अकर इन नेचर एंड इन व्हाट फॉर्म दे अकर इन नेचर। किस एलिमेंट का अकरेंस कैसा है, यानी नेचर में वो कैसे प्रेजेंट हैं, कहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो ये बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन, अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयर एंड इट एग्जिस्ट एज गैस एंड इट मेक 78% बाई कंपोजिशन, इट मेक 78% ऑफ एयर, यानी एयर में 78% नाइट्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स नाइट्रोजन जो है वो एयर में गैसियस फॉर्म में एज ए गैस एग्जिस्ट करती है, तो फर्स्ट अकरेंस है नाइट्रोजन का इन एयर एज ए गैस एंड 78%। अलॉन्ग विथ दिस नाइट्रोजन आल्सो एग्जिस्ट एज सॉलिड इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स
आर यू कैन से एज मिनरल्स, यानी कि नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में मिनरल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और दो मेजर फॉर्म्स हैं इसके, फर्स्ट है सोडियम नाइट्रेट जिसको हम कहते हैं चिली साल्ट मीटर, नाइट्रोजन मीन्स चिली साल्ट मीटर, और दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट मीटर और पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट मीटर, ये दो मेजर फॉर्म्स हैं या दो मेजर कंपोजिशंस हैं जिसमें कि नाइट्रोजन सॉलिड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में एज ए मिनरल एग्जिस्ट करता है। यानी कि नाइट्रोजन जो है एलिमेंटल फॉर्म में भी प्रेजेंट है और कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है। एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन डायटोमिक गैस यानी N2 गैस, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एयर का कंपोनेंट है 78%, और सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट जिनको कि हम कॉमनली चिली साल्ट मीटर और इंडियन साल्ट मीटर के नाम से जानते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स के फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट में एज ए मिनरल एग्जिस्ट करता है। तो ये एलिमेंटल और फ्री फॉर्म दोनों में। उसके साथ साथ नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स होते हैं बेसिक यूनिट प्रोटीन के, और अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और में प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं क्या, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी अमीनो एसिड्स के फॉर्म में या प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है फास्फोरस, फास्फोरस का अकरेंस कहां पर है, फास्फोरस इट अकर्स एज एपेटाइट, फास्फोरस एज एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स ये कैल्शियम और फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम हैलाइड के कॉम्प्लेक्स के रूप में एग्जिस्ट करता है जिसको कि हम कहते हैं एपेटाइट। तो Ca9PO4 हेक्सा Ca(X)2 वेयर एक्स रेफर्स फॉर एनी हैलोजन, एक्स यहाँ पे क्या है, कोई भी हैलोजन एटम, ये क्लोरीन जैसे कैल्शियम क्लोराइड या क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड या ब्रोमाइड Br के फॉर्म में हो सकता है। तो फास्फोरस का फर्स्ट अकरेंस है कि इट एग्जिस्ट एज फास्फेट रॉक्स, ये फास्फेट रॉक्स के रूप में भी एग्जिस्ट करता है और ये अर्थ क्रस्ट में एज ए मिनरल फास्फोरस एपेटाइट के फॉर्म में, जैसे कि कैल्शियम एपेटाइट के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। एक फार्मूला ऐसा है Ca9PO4 Ca(X)2, X2 जो है वो किसी भी हैलोजन के यूज किया जा सकता है। उसके साथ साथ फास्फोरस एनिमल और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि फास्फोलिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स में फास्फोरस प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बोन्स में फास्फेट रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, फास्फोरस वहां पर भी फास्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ एग में प्रेजेंट होता है और मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो फास्फोरस का एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, पहला है कि फास्फोरस एज ए कंपाउंड एपेटाइट फैमिली के रूप में होता है, दूसरा है फास्फेट रॉक्स के रूप में, रॉक्स में प्रेजेंट होता है, और एनिमल एंड प्लांट बॉडीज में के या सेलुलर कंपोनेंट के रूप में जैसे कि फास्फेट फास्फोग्लिसराइड्स इन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और उसके साथ साथ फास्फोरस मिल्क और एग में भी प्रेजेंट होता है, फास्फोरस इज अ पार्ट ऑफ मिल्क एंड एग एज वेल। एंड रिमेनिंग थ्री एलिमेंट्स आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ, दीज थ्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर एज सल्फाइड, मीन्स आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, बिस्मथ सल्फाइड, तो ये सल्फाइड को उसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्विक रिकॉल अकरेंस का कि मीन्स नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करता है। एलिमेंटल फॉर्म में ये नाइट्रोजन गैस के रूप में एयर में प्रेजेंट होता है जो कि लगभग 78% कंपोनेंट बनाता है, और उसके साथ नाइट्रोजन एज ए मिनरल सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसको हम जनरली चिली साल्ट मीटर और इंडियन साल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। तो ये अर्थ क्रस्ट में इसका एग्जिस्टेंस है, और लिविंग बॉडी में एनिमल और प्लांट सेल्स में ये प्रोटीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर ये मिल्क में और एग में भी प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ फास्फोरस, फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस एज एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम हैलाइड कॉम्प्लेक्स के रूप में एपेटाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में कंपाउंड फॉर्म में, फास्फेट रॉक्स में फास्फेट कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज वेल एज एग्जिस्ट एज एनिमल एंड प्लांट सेल कंपोनेंट्स इन फॉर्म ऑफ फास्फेट्स। इट इज ऑल्सो फाउंड इन मिल्क एंड एग्स एंड रेस्ट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ, दीज थ्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सल्फाइड ओस एज सल्फाइड मिनरल्स इन नेचर।
तो ये रहे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड वंस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेनली जैसे Ns2 Nb3। इनका जनरल या आउटपुट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, Ns2 और Nb3, वेयर n मींस नंबर ऑफ सेल 1 2 3। तो एज नाइट्रोजन हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p3, फास्फोरस हैज 3s2 3p3, एंड आर्सेनिक हैज 3d10 4s2 4p3, एंटीमनी 4d10 5s2 5p3, और बिस्मथ इट इज 4f14 5d10 6s2 6p3। तो दिस इज ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यू कैन सी दैट वैलेंस सेल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज ns2 np3, वेयर s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, s ऑर्बिटल इज फुल्ली ऑक्युपाइड, s हैज अकोमोडेशन ऑफ 2 एंड व्हिच इज मैक्सिमम फॉर इट, एंड p इट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन बट देयर आर ओनली 3, मींस p ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड एंड s ऑर्बिटल इज फुल फिल्ड इन आउटरमोस्ट शेल, एंड दिस हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल कंपोजिशन इट मेक्स the configuration, electronic configuration of these elements extra stable, इसी की वजह से, यानी कि जो ns2 np3 है जहाँ पर कि p जो है हाफ फील्ड है और s फुल फील्ड है, इस हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंपोजिशन की वजह से, यानी कि स्पेशली p3 कॉन्फिगरेशन की वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कि ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट एटमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द लाइन। लेट अस सी एटमिक रेडियाई, इट इज गिवन हियर, मींस कोवेलेंट रेडियाई यू कैन सी 17 पिकोमीटर, इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर 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 पिकोमीटर, इसकी यूनिट क्या है पिकोमीटर। तो एटमिक और आयनिक रेडियाई, नाउ यू कैन सी हियर दैट कोवेलेंट रेडियाई इट increases down the loop, 70 picometer, 110 picometer, 121 picometer, 141 picometer and 148 picometer. तो एक बार आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि 70, 110, 121, लेकिन उसके बाद देन आफ्टर 141 and 148 देर इज वेरी ग्रेजुअल वेरी माइनर डिक्रीज वेरी स्मार्ट इंक्रीज इन दैट मिक साइज। यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ एंटीमनी बिस्मथ इंक्रीज इन एटमिक रेडियाई, और यू कैन से दैट डिफरेंस ऑफ एटमिक रेडियाई इट इज माइनर इट इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू दिस थ्री एलिमेंट्स, यानी आप नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी लगाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एटमिक रेडियाई में या कोवेलेंट रेडियाई में एक सफिशियंट डिफरेंस दिखाई देगा दो सक्सेसिव एलिमेंट्स के आयनिक रेडियाई के बीच में, लेकिन बिस्मथ और एंटीमनी इस बिस्मथ और एंटीमनी के बीच में देखेंगे आयनिक रेडियाई का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, दिस इज नॉट सो मच, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स। तो जो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसकी वजह से इन हैवियर एलिमेंट्स में हैवियर मेटल्स में एटमिक रेडियाई का डिफरेंस कम होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन डी एंड एफ्स विच आर इनर कोर ऑर्बिटल्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जा रहे हैं इनर कोर ऑर्बिटल्स में चले जा रहे हैं, और इनर कोर ऑर्बिटल में जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर इंट्रैक्शन दिस बिकम्स मोर, दिस मीन दिस इज बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर कोर एटमिक साइज रिड्यूसेस। तो दिस इज अबाउट एटमिक रेडियाई, इन द सेम वे आयनिक रेडियाई की टर्म्स, आप आयनिक रेडियाई भी देखेंगे तो आयनिक रेडियाई 171 पिकोमीटर 212 पिकोमीटर 222 पिकोमीटर, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप क्या आ रहा है 76 और 103 पिकोमीटर। तो आयनिक रेडियाई ऑफ दीज एलिमेंट्स इट इंक्रीजेस फ्रॉम आर्सेनिक, इट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक ये इंक्रीज करता है, देन आफ्टर इट डिक्रीजेस, आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इज द
आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट जनरल करेक्टर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिमेंट टू आयनाइज। किसी भी एलिमेंट के एटम को उसके गैसेस स्टेट में आयनाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो हीट होती है इन किलो जूल पर मोल, मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन किलो जूल पर मोल फॉर आयनाइजेशन ऑफ अ गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड यू कैन सी दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इट डिक्रीज डाउन द रो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग डाउन द रो। 1402 1012 947 834 703, तो देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज। यहाँ से नाइट्रोजन से लेकर के जब आप बिस्मथ तक आएंगे इन केसेस में क्या हो रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। दिस इज व्हाई, दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ से नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ डाउन द ग्रुप आप मूव करेंगे, तो बाई मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ देयर इज इंक्रीज इन कोवेलेंट एनायनिक रेडियाई, मीन्स देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एंड दिस मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर विड्रॉल इट बिकम्स इजियर। मीन्स दूसरे कंसेप्ट में हम इस तरह से बता सकते हैं कि फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ मेटेलिक करेक्टर इन रूबिन, देखिए नॉन मेटल्स मेटलाइड दैट मेटल्स, तो यहाँ तक आते आते मेटेलिक करेक्टर इम्प्रूव कर रहा है और मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, जबकि नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये भी एक रीज़न है कि ड्यू टू इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप और ड्यू टू इंक्रीज इन एटमिक साइज, एटमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, देयर इज डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट इफ वी कंपेयर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स IE1, IE2 and IE3, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, मीन्स रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंसर इट इज इजियर देन द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, एंड respectively removal of third electron is far harder than the second electron। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सेकंड और थर्ड चेंज होने का मतलब, यानी इसमें एक गैपिंग दिखने का मतलब यह है कि किसी भी गैसियस एटम से जब वन इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल होता है तो वो ईजियर होता है, लेकिन जब उसी एटम से सेकंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करना पड़ेगा तो और एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं वैसे न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे और बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर ग्रिप बढ़ती जाती है, या कहिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ते जाते हैं बैलेंसर में, और जिसकी वजह से बैलेंसर क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ज़्यादा होल्ड में हो जाते हैं, स्ट्रांगर ग्रिप में हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। मीन्स ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, सेकेंड के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगी, उसके बाद और देखिए जस्ट डबल हो रहा है, और थर्ड तक आते थे देखिए मोर देन ट्रिपल हो रहा है। दिस इज अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ग्रुप 15 एलिमेंट्स इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट इज इट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स टू होल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में एलिमेंट्स यानी किसी एटम के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की, अपनी तरफ पुल करने की जो टेंडेंसी होती है वो टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, एंड दिस टेंडेंसी इज बेटर, दिस टेंडेंसी इज मोर इन नॉन मेटल्स एंड लेस इन मेटल्स। तो एज दीज टू आर नॉन मेटल्स सो देयर इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 देन 2.1 2.0 1.9 1.9, यानी कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन 15th ग्रुप। ग्रुप 15 में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन, देन आफ्टर फास्फोरस, देन आफ्टर आर्सेनिक,
then after arsenic and antimony both have near about similar electronegativity. Means down the group electronegativity of element decreases. This is because of development of metallic trend, enhancement of metallic character, and enhancement of metallic character is because of increase in atomic size, improvement in covalent ionic radii. तो covalent ionic radii बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे metallic character improve कर रहा है, और metallic character improve होने का मतलब ये हो गया कि electronegative character decrease कर रहा है, और electropositive character वो increase कर रहा है, means negative ion form करने की tendency वो decrease कर रही है, और cation form करने की tendency down the loop improve कर रही है या increase कर रही है. तो दिस इज अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो कि NH2 NP3 होता है सभी का. नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियाई, एटमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, और उसमें इंक्रीज करने का रीजन ये है, खास करके कोवेलेंट रेडियाई, एटमिक रेडियाई ये इंक्रीज करती है, और उसका रीजन ये है कि सक्सेसिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सक्सेसिव इंक्रीज इन एनर्जी लेवल्स फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ. नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जब हम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे. देखिए यहाँ 2 सेल में कंप्लीट हो रहा, यहाँ पे 3 सेल्स जा रही, यहाँ पे 4 सेल तक पहुँच गया, यहाँ पर 5th सेल तक इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है, और इस एलिमेंट में 6th सेल तक इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है, यानी यहाँ पर 6 सेल हो गए, 6 एनर्जी लेवल हो गए, जबकि यहाँ पर 2 एनर्जी लेवल ही थे. तो एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ डायमीटर बढ़ रहा है, या फिर कहिए कि कोवेलेंट रेडियाई बढ़ रही है. आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. ये है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. देन आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक मीन्स ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो पॉलीएटम्स यानी मेनी एटम्स यानी ग्रुप ऑफ एटम्स के ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 जैसे डाई एटमिक, फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्रा एटमिक P4 इन द सेम वे, आर्सेनिक S4, एंटीमनी एंड बिस्मथ ऑल दीज एग्जिस्ट एज पॉलीएटॉमिक. मीन्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, पॉलीएटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ अबाउट द फिजिकल स्टेट, if we talk about the physical state of these elements, so nitrogen, this is gas, but phosphorus to arsenic, phosphorus se lekar ke arsenic ke elements kya hain, these are solid. means nitrogen ek diatomic gas hai, aur phosphorus, arsenic, antimony aur bismuth ye kya hain, ye solid form mein exist karte hain, ye solid hote hain. मेटालिक करेक्टर हमने पहले ही देख लिया, मेटालिक करेक्टर एक इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल एंटीमनी बिस्मथ सॉरी आर्सेनिक एंटीमनी मेटलाइड और बिस्मथ मेटल्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, व्हाई मेटालिक करेक्टर, व्हाई मेटालिक करेक्टर इंप्रूव्स. तो मेटालिक करेक्टर क्यों इंप्रूव करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने के साथ साथ या फिर कहें कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ने के साथ साथ मेटालिक करेक्टर इंप्रूव करता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास 10th में ये स्टडी कर लिया है कि मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. तो वही फैक्टर यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, वही लग रहा है. बॉइलिंग पॉइंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट्स, देन इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंपोजिशन. यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी है ये, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कंटेंट ऑफ मैटर या उसके मास पर या उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करती है, जिसका कंपोजिशन ज़्यादा है. ये क्या है, ये हैवियर एलिमेंट्स हैं, दीज आर हैवियर एलिमेंट्स, तो नेचुरली हैवियर एलिमेंट्स विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लाइटर एलिमेंट्स विल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट. इन द सेम वे वी टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट इट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक, फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इट इंक्रीज, बट आफ्टर आर्सेनिक फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ दिस डिक्रीजेस. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इट रेगुलरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वेयर एज बॉइलिंग पॉइंट इट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, देन आफ्टर फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ इट डिक्रीजेस डाउन,
and you can refer table 7.1 for this information. यानी कि boiling point और melting point और density जैसी information चाहिए, आप अपने टेक्स्ट बुक के table 7.1 में रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। तो एक बार फिर से क्विक रिकैप कर देते हैं। क्विक रिकैप ये है कि ऑल द एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक, मींस इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टू आर मोर देन टू एटम्स के बने होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन N2 है, फास्फोरस P4 है, तो पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन डायएटॉमिक गैस एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ दीज आर सॉलिड्स, एंड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंटीमनी मेटल आयड और बिस्मथ मेटल होते हैं। दिस इज अबाउट मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड आयनिक साइज एंड एटमिक साइज। तो एटमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटमिक साइज यानी कोवेलेंट रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, जबकि आयनिक रेडियाई एक बार इंक्रीज करता है आर्सेनिक पर, देन आफ्टर इट डिक्रीजेस। ये थोड़ा सा इरेगुलरिटी ट्रेंड में आ जाती है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टैप टू वाटर एंड दिस इंक्रीज इन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंपोजिशन। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ then heavier elements are found, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, तो एलिमेंट्स हैवी होते जा रहे हैं, हैवी इन कंपोजिशन हैवी होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट बॉइलिंग पॉइंट इंप्रूव हो रहा है। और मेल्टिंग पॉइंट के केस में हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से लेकर के आर्सेनिक तक तो इंक्रीज करता है, देन आफ्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द एलोट्रॉपी। What is allotropy? When any element it exists in more than one physical forms. When any element exists in more than one physical form, this existence or occurrence of an element in more than one physical forms, this is called allotropy. यानी कि एक ही element two or more different physical forms में exist करता है, but this difference is noticed only in physical property. In chemical property they are similar in manner. यानी वो सारे form chemical manner में same होते हैं, फिजिकल फिजिकल बिहेवियर में या फिजिकल मैनर में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सच फिजिकली डिफरेंट एंड केमिकली सिमिलर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, एंड सच ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो नाइट्रोजन लिविंग नाइट्रोजन बिहाइंड नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल अदर एलिमेंट्स सो एलोट्रॉपी। एज फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, इट एग्जिस्ट एज वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस। फास्फोरस तो इन एलोट्रॉप्स में होता है, वाइट रेड येलो फॉर्म, तो ये इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। तो दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने जनरल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स।